वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अमित और आपका स्वागत है अमित ट्रैवलॉग्स में। गाइस आज हम आ गए हैं वेस्ट टू वंडर में और दोपहर के 3 बज चुके हैं सवेरे। और मेरे पीछे जो है वेस्ट टू वंडर का जो है सामने जाने के लिए रास्ता है वहाँ पे, और उसके साइड में आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। ये आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पार्किंग। तो गाइस आपको बता देता हूँ कि सामने की तरफ जो है वहाँ पर है सरायकाला खां का बस अड्डा, और अगर आपको यहाँ पर आना है तो उसके लिए आपको जो है मेट्रो स्टेशन सरायकाला का निज़ामुद्दीन का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ आपको मेट्रो से आप यहाँ पे आ सकते हो। और अगर आप आ रहे हैं लक्ष्मी नगर या ISBT और ITU से होते हुए तो आपको उस साइड से जो है मिलेगा रास्ता, जो कि आपके पड़ेगा राइट साइड में। और अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी टिकट लेना है, तो और आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय आज सैटरडे है और सैटरडे में काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मे बी अंदर भी काफ़ी क्राउड होगा, यहाँ पर भी है सामने टिकट काउंटर। लाइन आज लास्ट वीक से ज़्यादा है, मैं आया था लास्ट वीक से, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भीड़। और ये देखिए यहाँ एंट्रेंस है सामने, यहाँ पर सब जगह जो है आपका खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, यहाँ फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं सारे। ये देखिए यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जो है मैं आपको टिकट बता देता हूँ, ये टिकट काउंटर है। और यहाँ पे देखिए एडल्ट के लिए जो है 50 रुपीज़ है, संडे में प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है जो कि 100 रुपीज़ है, डबल ही हो जाता है। बता देता हूँ कि वेस्ट टू वंडर का एक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन अभी जो होने वाला है ना, वो ये है कि यहाँ पर जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए जो अट्रैक्शन बन चुका है। ओके गाइस तो अब अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बच्चों के लिए यहाँ पे जो है स्लाइड का जो ये बलून बना हुआ यही मिलेगा। और उसके अलावा अंदर तो आपको दिखाएँगे अभी, और देखिए कि शायद वेस्ट टू वंडर का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है ना अभी इस समय बच्चों के लिए जो भी कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसी वजह से यहाँ पर बहुत क्राउड हो रखा है। यहाँ पे जो भी राइड्स बनी हुई है आप मैं बता देता हूँ, जो है 100 रुपीज़ चार्ज है इसका 15 मिनट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बुल राइड बना रखी है गाइस, ये भी 100 रुपये चार्ज है पर मेंबर के लिए, 100 रुपये में आप ये राइड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही चैलेंज वाला काम है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ये बंदा जो है कि ट्राई कर रहा है कि मैं ना गिर पाऊँ, और ये गिर गया गाइस। ये बच्चों के लिए नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी बड़े ही अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, ये यहाँ का फूड कोर्ट गाइस, इसको यहाँ पर आपको मिलेगा फूड खाने को। ये एक जो है बिल्कुल ट्रेन की शक्ल में ये बना रखा है, यहाँ चारों तरफ देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, ये इसका मेन्यू है जो कि आपको रिफ्रेशमेंट के लिए और सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी अगर आप यहाँ आते हैं तो। चलिए गाइस अब वेस्ट टू वंडर की तरफ चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट भी हो रखा है, लोग आप बैठ सकते हैं आराम से। ये देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन बना रखा है बच्चों के लिए, बैठने के लिए भी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे जब आते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको जो है वॉशरूम मिल जाएगा, ये है वॉशरूम। और सामने जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सा स्कूटर है गाइस जिसके ऊपर कि आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा MCD का जो है सिंबल बनाया हुआ है, ये भी जो है
पाइप जो लोहे के पाइप से उनसे ही बना रखा है। और सामने है ये डायनासोर गाइस, जो कि सब मेन अट्रैक्शन इस समय वेस्ट टू वंडर का बन चुका है। ये देखिए इस डायनासोर से गाइस हम बाद में मिलेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अंदर और अंदर के जो है आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। गाइस जैसा कि आपको मालूम तो है कि वेस्ट टू वंडर में जो भी यहाँ पे जितने भी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बना रखे हैं वो सब जो है मेटल स्क्रैप से बने हुए बना रखे हैं। जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब मेटल के जो स्क्रैप है उसको यूज़ करके बनाया हुआ है। ये है पिरामिड। तो गाइस ये पहला जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये है गीज़ा पिरामिड। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है वो, लेकिन थोड़ा सा आगे दिया हुआ है। और यहाँ पे हर जो स्ट्रक्चर है गाइज उसके ऊपर जो है उसके साथ में जो है एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे कि ये क्या था और क्या है। जिन लोगों को नहीं मालूम गाइज वो इससे जो है डिस्क्रिप्शन को पढ़ के इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको एक्चुअल में नहीं मालूम होगा कि ये पिरामिड है या क्या है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। और ये आ गया है पीसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं गाइस इसको, जो कि है फ्रांस इटली में। एंड यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है गाइस, तीसरा जो वंडर है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि है अमेरिका यूएसए में। और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखी है आप देखो। गाइस चौथा जो वंडर है वो है आईफिल टावर, और ये आ गया यहाँ पर। ये देखिए गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी सारे वंडर्स जो है वो कवर करूँगा। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है गाइस, और काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पे लोगों के लिए। वंडर के बाद आगे चलते हैं कि और कौन सा वंडर आगे रह गया। यहाँ पे गाइस बीच बीच में जो है लोगों को बैठने के लिए भी जगह बना रखी है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। और ये है फिफ्थ वंडर, जो कि ब्राज़ील में सेंट जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है, उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इधर से निकलेंगे ना, इधर से निकल कर फिर आएंगे ना उधर से निकलते हैं। तो
गाइस ये वाला था सिक्स्थ वंडर और लास्ट वंडर जो है वो आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बच्चों के लिए ट्रेन है जो कि सामने आ रही है, दिखाता हूँ। बचाए लास्ट वंडर जो है ताजमहल। और क्या देखिए गाइस, ये भी गाइस पूरा जो है मेटल स्क्रैप से बना हुआ और बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ, बिल्कुल जो है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है रोम का कोलेसम, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक फाइटिंग अरीना हुआ करता था अपने ज़माने में, तो ये है लास्ट वंडर। वंडर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है सारे बच्चों के लिए, सबके लिए, वो है डायनासोर्स। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर सबको पसंद है, बचपन से लेके आज तक बड़े बच्चों को सबको मालूम है। तो ये देखिए गाइस, ये राइड्स बनाई हुई है और तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए गाइस, ये है पहला डायनासोर जहाँ पे कि आप लैडर के थ्रू जो है यहाँ पे ऊपर चढ़कर और आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं और यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। देखिए गाइस, यहाँ पे भी ना एक पुरानी ही कार के मॉडल को यूज़ करके और डायनासोर का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। एक और डायनासोर अपनी गर्दन को घुमाता हुआ और ये गाइस बांस और मेटल से जो है मेटल को यूज़ करके एक डायनासोर ये बनाया हुआ है। आप ये देखो, कुछ डायनासोर जो लोग कई बार आंखों से जो है नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए एक डायनासोर यहाँ पे खड़ा कर रखा है। उसके बाद जिन लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो उनको भलीभांति पर मालूम होगा कि उसमें डायनासोर सबसे ज़्यादा दिखाए गए थे। और गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डायनासोर राइड्स की। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला डायनासोर राइड जो यहाँ पे बनाई हुई है, ये एक बहुत बड़ी स्लाइड है यहाँ पे आप। बस लास्ट वीक मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, उस समय इतना क्राउड नहीं था यहाँ पे और इस समय बहुत ज़्यादा क्राउड है। देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत सारे लोग एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत हो रखी है।
और गाइस यहाँ पर जो है ये है कैफेटेरिया छोटा सा, जहाँ पे आप बच्चों के लिए आइसक्रीम स्टॉल बना हुआ है यहाँ पर, और चाय भी आप पी सकते हैं। सिटिंग का भी अरेंजमेंट हो रखा है यहाँ पर। तो गाइस देखिए ये जो है हमने अभी चाय मंगवाई थी वहाँ पे टी स्टॉल से, और जो है हमारे दोस्त हैं नवीन जी वो भी एंजॉय कर रहे हैं टी को बहुत बढ़िया तरीके से। तो चाय जो है कितने से, 30 रुपए की, 30 रुपए की चाय है, और मैंने लास्ट टाइम भी पी थी और बहुत बढ़िया लगी थी। फिलहाल दोबारा एंजॉय करते हैं जी। आप कूलर टी 40 रुपीज़ की है, कूलर टी जो है वो 40 रुपीज़ की मिलेगी आपको। यहाँ पे गाइस शोर मचाता हुआ डायनासोर, दो डायनासोर से है बिल्कुल जुरासिक पार्क में थीम के हिसाब से बनाया हुआ है ये देखिए, और ये जो है आवाज़ करते हुए ये देखिए। यहाँ पे आके बिल्कुल जुरासिक पार्क वाली फीलिंग आ रही है गाइस। और तो ये है गाइस जुरासिक पार्क थीम की वॉक, मैं अभी आपको लेकर जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे पार्क में आपको घूमते घूमते बहुत सारे जो है छोटे बड़े डायनासोर के स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे है ये देखिए, एक यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है ना पुरानी जो कार्स होती है गैस, उनको उन जो ख़राब स्क्रैप कार्स है उनको यहाँ पे दिखा रखा है। ये डायनासोर जो है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं डिस्ट्रॉय करते हुए। सेम थीम पे बना हुआ गया एक और डायनासोर, और देखो। और ये है गाइस सबसे बड़ा डायनासोर जिसको बोलते हैं टायरानोसोरस, और इसको शॉर्ट में टीरेक्स भी बोलते हैं गाइस। ये स्ट्रक्चर गाइस पूरा जो है आपको डायनासोर वर्ल्ड के थीम पे बना हुआ है देखिए, यहाँ पे ढेर सारे डायनासोर के जो है छोटे छोटे बच्चों को दिखा रखा है। यहाँ पे डायनासोर के एग भी बने हुए हैं ये देखिए, ये है और इधर तो भी रखता है। यहाँ पे गाइस ऊपर खड़े होकर देखने के लिए यहाँ पे भी स्लाइड्स बनी हुई है, इसमें कि आप पास से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोगों को डराता हुआ रोवर करता हुआ डायनासोर। सबसे अच्छी बात है गाइस कि बच्चों के लिए बहुत जो है एंजॉयमेंट वाली जगह हो गई है इस समय, चारों तरफ बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। पर
फ़ोटो खिंचाने का पॉइंट, आप यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कोई डायनासोर डीनो सॉचस करके, और ये इतना बड़ा डायनासोर है। लास्ट टाइम यहाँ पे ना पानी था, लेकिन अभी पानी आई थिंक बंद कर दिया गया, तो पानी यहाँ पे फ्लोट नहीं कर रहा बच्चों के लिए। और ये गाइस दोस्त जो है बच्चों के लिए पैसा वसूल जगह बन चुकी है इस समय। आप देखिए कितना बड़ा डायनासोर है यहाँ पे, ये देखिए, ये भी एक राइड है। और बच्चे जो है ना फुल मस्ती में यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए एक हेवी राइड है बच्चों की, और यहाँ पे भी गाइस यहाँ पे राइड में बच्चे जो है ना सीढ़ियों से सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे क्या और बूढ़े क्या गाइस सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे राइड्स को। ये देखिए देखिए सब लोग फुल मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक दिल्ली को सबसे जो है ना बढ़िया जो है बच्चों के लिए पार्क मिल गया है, और बहुत से पार्क है लेकिन बच्चे एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जुरासिक थीम जब से ऐड हुई है तब से जो है बच्चों को यहाँ पे आने में एक बार भी हिचक नहीं होगी, और बार बार आप बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए ये भी एक राइड पूरा, आप यहाँ से चढ़ेंगे और वहाँ पे स्लाइड होगा। तो ये भी एक राइड थी। और लास्ट टाइम गाइस मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप ध्यान देंगे तो जितने भी डायनासोर के स्ट्रक्चर बने ना यहाँ पे इन सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी एक काफ़ी बड़ा जो है डायनासोर है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। ये एक और राइड, ये देखिए ये स्लाइड है। तो आपने देखा कैसे जो है सब छोटे बड़े जो है यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर के लिए लाइफ की परेशानियों को भुलाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आई थिंक गाइस ये सबसे लास्ट डायनासोर है, वो डायनासोर राइड है जो सबसे लास्ट यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये देखो गाइस, ये जो है सबसे पहले बड़ा डायनासोर है जो कि मैंने आपको एंट्रेंस में दिखाया था। ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे लंबी राइड है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए इसकी जो सीढ़ियाँ है ना चढ़ने की, वो सामने से है और
आप जो है यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए देखिए, बच्चे जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर से चढ़ के यहाँ पर आएंगे नीचे। और ये देखिए तो गाइस, ये सारी राइड्स ना बहुत लंबी है, और सबसे लास्ट जो राइड है ये बहुत ही लंबी है, और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को जब आप राइड करा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप गाइस देख सकते हैं, 50 रुपये आपने टिकट ली थी, और 50 रुपये में ना आपने, अगर आप बच्चों के संग आ रहे हैं ना, तो 50 रुपये आपको जो है बिल्कुल भी महंगे नहीं लगेंगे, और आप सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि आप जो है किसी बहुत महंगी जगह पर आ गए हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े छोटे सब एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। इस पूरे वीडियो में गाइस मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मैंने अपने आप को नहीं दिखा के, और जो है आपको जुरासिक पार्क का जो है पूरा का पूरा जो है आपको दिखा दिया है, ये देखिए गाइस। तो अगर आप ऐसे भी आते ना, तो आपके लिए भी जो है बिल्कुल एंजॉयमेंट वाला काम होने वाला है। ऑलराइट गाइस, और यहाँ की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग जो है वो 10 से 10 बजे तक की है, क्योंकि और अभी तो मैंने आपको सिर्फ दोपहर और का वीडियो बना के दिखाया है, और मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि आपको मैं इवनिंग का कवर करूँगा आपको उसमें, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इवनिंग में लाइटनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो कि पसंद करते हैं घूमना फिरना दिल्ली में और बहुत सारी जगहों पे। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं आपके साथ, हैव अ नाइस डे, बाय।